हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी साथी हैं जो कि रेलवे में एनटीपीसी वाले हो या ग्रुप डी वाले हो, जिनका पैनल आ चुका है, आने वाले समय में उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो आखिर ज्वाइनिंग के दिन आप कौन सी गलती से आपको बचना है, जिसके कारण कि ज्वाइनिंग में आपको बार बार वापस भेजा जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उन सब गलती से कैसे बचे, इसी सब टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट वीडियोज में आ चुका है पिछले वीडियोज में। तो चलिए एक एक कर बात करते हैं कि आखिर कौन सी वो गलती है जिससे बचना है। बहुत सारे साथी को एनटीपीसी लेवल 5 लेवल 6 में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बार बार उनको ज्वाइनिंग के दिन वापस भेजा जाता है। तो उस गलती से कैसे बचे, इसी पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक एक करके इंस्ट्रक्शन के माध्यम से समझते हैं कि जितने भी ग्रुप डी के साथी हैं, जो भी साथी जो ग्रुप डी में ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी वाले हो, सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं कि कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर अगर ऑफलाइन आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो ऑफलाइन के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। आपको अपॉइंटमेंट लेटर का जो अगर मेल पे जीमेल पे अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर अगर भेज दिया जाता है, तो आप उसको निकाल कर आराम से ऑल डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। ये नहीं कि ऑफलाइन का पूरा वेट करें। हो सकता है कि आपके आपका जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ, वहाँ से ऑफलाइन आपको नहीं भेजा जाता हो, तो इस चीज़ में ज़रूर बचना है। और टाइम से जब आपके मेल पे आ गया, तो सबसे पहला काम है कि आप सभी डॉक्यूमेंट को निकालिए और उसका आप ऑल डॉक्यूमेंट को आप बनवाइए जो मेल पे आया है। दूसरा है कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की बात होती है, उस पर देख सकते कि 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है। इसमें अगर थोड़ी भी आप गलती करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग के दिन वापस भेजा जाता है, क्योंकि जो भी अधिकारी आप साइन कराएंगे वो गजेटेड बिल्कुल होने चाहिए। और साथ में यहाँ ये भी पॉइंट देखना है कि नोइंग द कैंडिडेट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब जो आपका उसमें जो है कि आपको कितना दिन से यह जानते हैं, उस कॉलम के लिए आपको मिनिमम आपको 1 साल होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे 6 मंथ 8 मंथ ये वाली सिचुएशन अगर आपकी होगी, तो हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग के दिन वापस भेज दे। ऐसा बहुत सारे साथी का एनटीपीसी लेवल 5 लेवल 6 में हुआ है कि एक ज्वाइनिंग जो कि 1 दिन का काम है, इसके लिए उनको 3 से 4 बार वापस भेजा गया है। तो छोटी छोटी गलती है जिससे कि आपको बचना है। तो जो भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसमें आपको मोर देन 1 ईयर आपको उसमें फिल करवाना है, जो कि नोइंग द कैंडिडेट, तो उसमें 1 साल से कम नहीं डलवाना है। ये चीज़ आप अधिकारी जो भी अधिकारी से आप साइन कराएंगे, उनसे आप उसी टाइम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर इसमें 1 साल से ज़्यादा आप डाल दीजिए। अगर उनकी पोस्टिंग 6 मंथ ही पहले होगी तो वो नहीं डालना चाहेंगे, तो उस कैंडिडेट उस स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं है। आप दूसरे अधिकारी के पास जाइए, क्योंकि बहुत सारे गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो आप किसी से भी करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई साथी का ये कमेंट हुआ है कि हम जिस अधिकारी के पास गए, उनका ड्यूटी अभी 6 मंथ पहले 8 मंथ पहले पोस्टिंग हुआ है, तो वो नहीं साइन कर रहे हैं। तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं, आप दूसरे गजेटेड ऑफिसर के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको 1 साल से ज़्यादा इसमें ज़रूर डाल देंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला, जिनको यह बनवाने का मेल में आएगा या ज्वाइनिंग लेटर में आएगा, उनके लिए है। तो इसमें क्या है कि करेक्टर सर्टिफिकेट, तो पॉइंट नंबर 3 सबको बनवाना है। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द लास्ट स्टडी। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका कमेंट रहता है कि हम जहां से ग्रेजुएशन किए वो कॉलेज मेरा बंद हो गया, कॉलेज साइन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें, क्या हम इंटर वाले कॉलेज से साइन करा ले। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है ये भी आपको बताते हैं कि लास्ट स्टडी आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, फिर से आपका ऑल डॉक्यूमेंट ज़्यादातर जगह चेक किया जाता है, और उस दिन जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, तो उस टाइम जो क्लर्क रहते हैं, जो ज्वाइनिंग अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, वो आपका लास्ट स्टडी, जैसे आप लास्ट स्टडी देंगे कि हम ग्रेजुएट हैं, और साइन वो आपका मिला के देखते हैं। जैसे कि सीकेपी डिवीजन में या कहीं भी बहुत जगह आपका ये चीज़ भी देखा जाता है कि जो आपका लास्ट स्टडी है वो आपका साइन जो है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप इंटर कॉलेज से साइन करा के आते हैं, तो उस क्या होगा, फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। बहुत सारे साथी का भी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के भी साथी है, उनको 3 बार वापस भेजा गया डिवीजन से कि आपका ये डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है। तो उससे आपको बचना है, मतलब कोशिश करें कि लास्ट स्टडी वाला ही, लास्ट इंस्टीट्यूट जो है उसी से आप साइन कराएं। हाँ, कहीं जगह है कि आप इंटर वाला भी करा के दे देंगे और वहाँ पर नहीं ध्यान देंगे तो चल जाएगा, तो वो चलने वाली बात अलग है, लेकिन आपका जो रूल है लास्ट स्टडी से कोशिश करें, वहीं से साइन करवाएं, अच्छा होगा। और उसके बाद है देयरफॉर स्टडी देयर आफ्टर द सेम टू बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट DM और SDM।
और आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट के जो यह है कॉलेज वाला लास्ट स्टडी वाला, उस फॉर्मेट में आप देखे होंगे कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का नीचे साइन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस पर भी बहुत सारे साथी का कमेंट आता है कि हमारे यहाँ साइन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर जो भी साथी, पर्सनली तो नाम लेकर नहीं बता सकते, जिस भी साथी का यह कमेंट है कि मेरे यहाँ डीएम एसडीएम साइन नहीं कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साइन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा उपाय है कि डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सर के पास जाइए। अगर एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साइन नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डीएम सर के पास जाइए, वो आपको कोई ना कोई क्या तो वो एसडीएम सर को कॉल करेंगे या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सर को लेटर भेजेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जो आपका साइन आराम से हो जाए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे जो बोलते हैं कि मेरे यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साइन नहीं करें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डीएम सर के पास जाइए डायरेक्ट, क्या तो वो खुद करेंगे, और अगर वो बिजी होंगे तो वो बोलेंगे कि आप ये अधिकारी के पास जाइए और वो उनसे कंसल्ट करेंगे, आपका काम हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है सबसे जो है अटेस्टेशन फॉर्म GV1 जो है अटेस्टेशन फॉर्म, ये देख लीजिए। अगर आपके डिवीजन से कहीं कहीं दो फॉर्म भेजा जा रहा है, दो फॉर्मेट भेजा जा रहा है, और कहीं कहीं तीन फॉर्मेट भेजा जा रहा है, तो जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी डिवीजन में दो मांगा जा रहा है तो आपके यहाँ भी दो मांगा जाएगा। जो आपके मेल पर आएगा, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में आएगा और जो आपका इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करना है। हो सकता है किसी डिवीजन में दो अटेस्टेशन फॉर्म दो फॉर्मेट भेजा जाता है, आपके यहाँ तीन भेजा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी भेजा जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म उसको आपको भरवाना है। इसमें भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट को बार बार वापस किया गया है इस लेवल 5 की ज्वाइनिंग में, लेवल 6 की ज्वाइनिंग में। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म मान लीजिए तीन कॉपी हुआ, तो कोई ऐसे ऐसे छात्र है जो कि क्या करते हैं, एक अटेस्टेशन फॉर्म एक अधिकारी से साइन कराते हैं, दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म दूसरे अधिकारी से कराते हैं, तीसरा अटेस्टेशन फॉर्म तीसरे अधिकारी से साइन कराते हैं, जो लास्ट वाला जो होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला परफॉर्मा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये गलती नहीं करना है, जो ज्वाइनिंग अधिकारी रहेंगे वो अगर ध्यान दे दिया और अगर ये चीज़ उनके नज़र में आ गया तो फिर आपकी वापसी 99% तय है, आपको फिर से वापस करेंगे कि जाओ सेम अधिकारी से आप फिर से साइन करा के तीनों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आओ, या जो भी पीछे लास्ट में रहता है उसमें आओ। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब आप फर्स्ट टाइम अटेस्टेशन फॉर्म भरे, और ये ग्रुप डी के सभी साथियों को भरना ही भरना है, या लेवल 5 लेवल 6 कोई भी एनटीपीसी में सेलेक्ट हुआ अटेस्टेशन फॉर्म एकदम सबको भरना है, तो उसमें आप कोशिश सीधा आपको काम करना है कि आपको जो भी एक ही अधिकारी से आपको साइन कराना है। दो फॉर्म मिला उससे मतलब नहीं है, तीनों में एक ही अधिकारी का साइन होगा। अगर आप वीडियो सर से साइन करवा रहे हैं तो वीडियो सर करेंगे, हॉस्पिटल के डॉक्टर से करवाएंगे, तो तीनों में सेम चाहिए, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो आप वापस फिर आपको भेजा जाएगा, और ये सब हुआ है एनटीपीसी में, ऐसा बहुत देखा गया है, तो ये सब गलती से आपको बचना है। और उसके अलावा क्या आपके पास ज्वाइनिंग के दिन होना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए। जब ज्वाइनिंग के दिन आपके पास ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपका लेके आना है, और जैसे ज्वाइनिंग के दिन वो आपके इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि कितना कॉपी फोटो लेके जाना है, तो कम से कम आप 15 फोटो लेके जाइएगा, कहीं कहीं पाँच, इसमें पाँच बोला गया है लेकिन पाँच नहीं, मिनिमम आप 15 कॉपी आप पासपोर्ट साइज लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, मतलब जो आप डीवी के समय दिए वो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को जैसे कि लेवल 5 है लेवल 6 है, अभी उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, बहुत जगह ऐसा है जो कि अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, या नेक्स्ट पैनल हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ पैनल में आए हैं, तो उनको अगर ये बनवा के देना है एनेक्जर 1 एग्रीमेंट है, तो इसको अच्छा से बनवाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी है कि अगर 10 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर मिल रहा है तो उस पर बनवाइए, नहीं है तो उससे ज़्यादा बनवाइए, 20 पे बनवाइए, 50 पे बनवाइए, 100 पे बनवाइए, बिल्कुल चलेगा। अगर 10 रुपये का मिलता है तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाइए, नहीं है तो उससे ज़्यादा पे बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, एन एफिडेविट। अगर कोई किसी साथी को अगर ज्वाइनिंग लेटर में एफिडेविट के लिए भेजा गया है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, तो इसको भी एकदम आराम से बनवाना है। और मतलब कोई ये सब छोटी छोटी गलती है जो कि बहुत सारे साथी करते हैं, खुद मेरे रूम पार्टनर है, इनको भी दिक्कत हुआ था, तो ये सब चीज़ को आपको बचना है। उसके बाद लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन रेलवे फॉर्मेट। अब ये इस चीज़ जो लास्ट पॉइंट है, इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए EWS कैटेगरी से सिलेक्टेड है, EWS वाले हैं, और जब उनकी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम वो अपने सर्टिफिकेट का जीरोक्स जमा कर दिए, तो अब क्या होगा, ज्वाइनिंग के दिन वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा EWS वाला, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर जैसे कि रेलवे फॉर्मेट में कोई बनवाए ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन तो बनेगा नहीं, रेलवे फॉर्मेट में ऑफलाइन बनेगा,
तो उस कंडीशन में क्या है, ज्वाइनिंग में जो है आपका वो ओरिजिनल लिया जाएगा। अगर आपका डीवी में ले लिया गया तो सही है, ज्वाइनिंग में नहीं लगेगा, लेकिन अगर डीवी में आप जीरोक्स देके निकल गए हैं तो ज्वाइनिंग में आपको रेलवे फॉर्मेट वाला लेगा। और सीधा एक ही सिचुएशन आपको बताया जाएगा पूछने पर कि रेलवे फॉर्मेट में आप क्यों बनवाए हैं, क्योंकि रेलवे आपको फॉर्मेट दिया है बनवाने के लिए इसी ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको जमा लिया जाएगा। तो ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन है जिसको अगर आप फॉलो कर लिए, और इस वीडियो के माध्यम से बनाने का यही उद्देश्य, बताने का यही उद्देश्य है कि आप इस छोटी छोटी गलती से बचे। गलती आप करेंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि गलती करते हैं तभी तो उनको बार बार वापस भेजा जाता है। तो जो भी नए साथी मेरे मित्र जो अब आने वाले समय में ज्वाइनिंग करेंगे, तो आप ये सब गलती से बचें, जिससे कि आपको ज्वाइनिंग आसानी से हो सके। आपको एट ए टाइम जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होनी है उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट जरूर करें, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।